वेलकम टू माय चैनल इन्फॉर्मेटिव हाउसवाइफ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि काजल पेंसिल से हम आईलाइनर कैसे ड्रॉ करें। फ्रेंड्स, क्या होता है कि कई लोगों के पास आईलाइनर ख़त्म हो जाता है या कई टीनेजर्स के पास आईलाइनर नहीं होता है। जो भी स्कूल गोइंग एंड कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती हैं उनको उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो रहेगा। तो बिना लेट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, आपके पास जो भी आपके पास काजल पेंसिल हो वो आप ले लें। यहाँ पे मैंने मैक का यूज़ किया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप मैक का ही यूज़ करें। आपके पास जो भी है काजल उसे आप ले लें, आप ओपन करें जैसे मैंने कर दिया है। उसके बाद देखें जिस तरीके से मैं ड्रॉ कर रही हूँ वैसे करना है। ये जो पोर्शन है आईब्रो के पास से, यहाँ से ऐसे ऐसे स्ट्रेच करें और ऐसे। इस तरीके से आगे बढ़ाएं। अगर इससे भी ज्यादा इजी होगा अगर आप यहां से पहले ही एक विंग ड्रॉ कर लें। फिर उसके बाद इसे अंदर की तरफ, विंग को जो आपने यहां से ड्रॉ किया है उसके बाद इसे अंदर की तरफ स्ट्रेच करके मिलाना है। फिर आप इसे कनेक्ट कर दें। अगर आपका थोड़ा बहुत आईलाइनर खराब हो जाता है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि देखिए अगर थोड़ा बहुत ऐसे स्ट्रेच हो जाता है तो अगर मॉइस्चर आपके हैंड में है तो आप उसे उससे क्लीन कर सकते हैं, और नहीं तो टिश्यू पेपर आप उसके लिए रखें। तो देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम इसको ऊपर की तरफ ड्रॉ कर देंगे, खींच देंगे। ऐसे जॉइन कर देंगे। ये देखिए इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल आईलाइनर लगता है, एक थिक आईलाइनर ड्रॉ हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने दिखाया आपको थिक आईलाइनर इस तरीके से ड्रॉ आपका हो जाएगा। तो बस आपको करना है जैसा कि मैंने पहले प्रोसेस बता दिया, बस इसको खींचना है, यहाँ से विंग लाइनर ड्रॉ करना है, ऐसा विंग बना देना है। उसके बाद आपको ले जा करके कनेक्ट कर देना है यहाँ तक। तो देखिए कितना प्यारा सा विंग लाइनर ड्रॉ हुआ है। उसके बाद आप अपने वाटर लाइन में, इसको वाटर लाइन कहते हैं, एक हल्का पतला सा ड्रॉ कर ले काजल। और ये हो गया आपका परफेक्ट कॉलेज गोइंग लुक। अब आप सोचेंगे कि ये कहीं स्मज ना हो जाए, ठीक है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि काजल कहीं स्मज ना करे, अगर वो वाटरप्रूफ नहीं है या फिर स्क्रैच प्रूफ नहीं होता है काजल। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि उसके लिए आपको ये लेना है एक पाउडर, ठीक है। एक पाउडर आपको लेना है, हाथ पे थोड़ा सा ले लीजिए, बस इतना सा। अपनी फिंगर की हेल्प से या टिश्यू पेपर की हेल्प से आप क्या करें कि इसके ऊपर अप्लाई कर दें, ऐसे ऐसे पूरे ही अप्लाई कर दें। और उसके बाद एक टिश्यू पेपर ले या कॉटन का कोई सा भी कपड़ा ले और उसके बाद आप इसे पोंछ लें। या एंड हियर वी गो। अब जो आपका आईलाइनर ये जो बना हुआ है ये आपका बिल्कुल खराब नहीं होगा, ये आपका पूरे दिन स्टे करेगा और इसी तरीके से आपका रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपका जो कहते हैं काजल जो है अगर वो भी स्मज होता है तो आप इसी तरीके से फिंगर की हेल्प से आप ऐसे करके इस पे आप लगा लें पाउडर, और उसके बाद आप कपड़े से ऐसे ऐसे डैब डैब मोशन में आप इसे क्लीन कर लें।
तो फ्रेंड्स, जैसे अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मिलती हूँ मैं आपसे आपकी फ्रेंड पूजा, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और बाय। जो भी वीडियो रिक्वेस्टेड या सजेस्टेड हो आप मुझे सजेस्ट जरूर करें, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तब तक के लिए बाय।